आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जैसा कि आपने सुना है कि एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के बैंक खाते में मोदी सरकार जारी करने वाली है, और ये जो तोहफा है, ये तोहफा, इसको गिफ्ट बोला जा रहा है। ये दीपावली के मौके पर किसानों को गिफ्ट के तौर पर जो है किसानों को दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले ही 5 अक्टूबर को जो है किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 18वीं किस्त जारी की थी। अब फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की 19वीं किस्त जारी करने जा रही है सरकार, जिसका किसान काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार ने जो 2,000 रुपए की राशि भेज दी, लेकिन अब किसानों को गिफ्ट कब दिया जाएगा। तो वो गिफ्ट भेजने का जो सही समय है वो अब आ चुका है। दीपावली से पहले दीपावली का तोहफा सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जारी की जाएगी, और ये राशि कब आएंगे किसानों को, थोड़ी देर में पीएम मोदी लाइव संबोधन भी करने वाले हैं, इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे, किन किसानों को इसकी राशि मिलेगी, और सबसे पहले किसानों को क्या करना होगा और क्या क्या नए प्रावधान भी रखे गए हैं, पूरी जानकारी आपको समझना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हर 4 महीने पे किसानों के बैंक खाते में मोदी सरकार 2,000 रुपए की किस्त जारी कर रही है, साल में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, और इसके लिए किसानों को ईकेवाईसी और भूमि का सत्यापन जो है करवाना अनिवार्य रखा गया था, और लगभग सभी जिन किसानों ने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर लिए थे उन्हीं किसानों को पिछली बार 18वीं किस्त जो कि 2,000 रुपए की मिली थी। अब यहां पे 4,000 रुपए जो कि किसानों को त्योहारों का सीजन चल रहा है और त्योहारों पे जो है इस प्रकार से गिफ्ट दिया जा रहा है। आखिर किसानों को क्या करना होगा और किन किसानों को मिलना शुरू हो चुका है, और पीएम मोदी ने 4,000 रुपए की 19वीं किस्त जो जारी किया है वो आखिर जिन किसानों को अभी तक नहीं आया है उन किसानों को कब आएगा, इसके लिए किसानों को क्या करना होगा और कौन से नए प्रावधान रखे गए हैं, पूरी जानकारी आपको समझना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे हर जगह एक तरीके से छाया हुआ है कि पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के 4,000 रुपए की 19वीं किस्त जारी कर दिया है। कोई बोल रहा है आज पैसा मिलेगा, कोई बोल रहा है कल पैसा मिलेगा, कोई बोल रहा है परसों मिलेगा, कोई बोल रहा है 4,000 मिलेगा, कोई बोल रहा है 10,000 मिलेगा, आखिर क्या है। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए कि मैंने आपको दिखाया है कि किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए की जो मदद है वो किसानों को दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पर। और जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अचानक ब्रेकिंग न्यूज आया है और डायरेक्ट हम लाइव किए हैं, तो 1,00,000 करोड़ रुपए की जो मदद है वो पीएम मोदी ने डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में जारी किया है। ये जो गिफ्ट है, जो मदद है, ये दीपावली के मौके पर दीपावली का गिफ्ट के तौर पर जो है किसानों को दिया जा रहा है, जिसका इंतजार किसान काफी बेसब्री से कर रहे थे कि मोदी सरकार आखिर गिफ्ट कब देगी। वो गिफ्ट जो अब देना शुरू कर दिया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार हम दीपावली में आपको मायूस नहीं करेंगे, और ये जो गिफ्ट है डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में जारी किया जा रहा है। नवरात्रि के मौके पे किसानों को 2,000 रुपए की 18वीं किस्त जारी की गई थी, अब दीपावली के मौके पे भी किसानों को यह राशि जारी की जाएगी, और यह राशि दीपावली से पहले ही जारी की जाएगी, और आज दिन के 12:30 बजे से किसानों को रिलीज किया गया।